ऑप्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास। हम ऑप्शन ट्रेडिंग निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी या फिर स्टॉक ऑप्शन, इसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम समझेंगे कि निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग हम किस तरीके से प्लान कर सकते हैं। अगर निफ्टी में जो भी हमने ऑप्शन बाई किया है उसको अगर पोजिशनल बनाना है तो पोजिशनल किस तरीके से बना सकते हैं, उसको हम स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। तो सबसे पहले हमको ये क्लियर होना चाहिए कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसे अगर मंथली CPR के बेसिस पे निफ्टी अप ट्रेंड में है कि डाउन ट्रेंड में है, ये क्लियर होना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मंथली में मान लो अप ट्रेंड में है, तो अब ये देखेंगे कि वीकली में, वीकली CPR के हिसाब से निफ्टी अप ट्रेंड में है कि नहीं। अगर वीकली CPR के हिसाब से भी निफ्टी अप ट्रेंड में है, मतलब दो जगह से हमको कन्फर्मेशन होंगे कि ओवरऑल ट्रेंड अप ट्रेंड में है। अब हम इंट्राडे ट्रेडिंग की बात करते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए आपको क्या करना है कि आपको जो 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन और 100 पॉइंट इन द मनी का पुट ऑप्शन आपको अपने वॉच लिस्ट में ऐड कर देना है। अब अपना जो वॉच लिस्ट है उसमें, जैसे अगर फायर्स का टर्मिनल आप यूज़ करते हो तो उसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है। एक साइड में कॉल ऑप्शन लगाना है, एक साइड में पुट ऑप्शन लगाना है। हमको पहले से क्लैरिटी है, जैसे मंथली CPR में हमने कंसीडर किया है कि ओवरऑल ट्रेंड अप है, वीकली CPR के हिसाब से ट्रेंड अप है। तो हमको फोकस ये करना है कि कॉल साइड में अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे, अगर पुट साइड में इंट्राडे में अपॉर्चुनिटी मिलता है तो हम छोटे ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे या क्वांटिटी बहुत कम रखेंगे। अब मान लो हमारा CPR सेटअप कॉल में बाइंग का अपॉर्चुनिटी देता है, तो जैसे कॉल में बाइंग का सिग्नल मिला, हम क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे। और कॉल बाई करेंगे तो नेक्स्ट CPR लेवल तक हमारा टारगेट रहता है। मान लो नेक्स्ट CPR लेवल R1 प्रीवियस डे हाई का ही आ रहा है और आपको डाउट है कि यहाँ पे सस्टेन करेगा कि नहीं करेगा, अगर नेरो CPR है तो संभावना है कि तोड़ देगा, फिर भी मान लो कोई कन्फ्यूजन है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमारा फर्स्ट टारगेट मीट हो गया R1 प्रीवियस डे हाई, हम क्या करेंगे, R2 लेवल का कॉल सेल कर देंगे आउट ऑफ द मनी वाला। तो उससे क्या होगा कि मार्केट मान लो वहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो आउट ऑफ द मनी जो हमने कॉल सेल किया है उसका प्रीमियम डीके होने लगेगा और जो हमने बाइंग का पोजीशन होल्ड किया है उसका प्रॉफिट भी कंपेरेटिवली कम डाउन होगा। तो अगर वो R1 प्रीवियस डे हाई को ब्रेक कर देता है तो हम क्या करेंगे कि जो हमारा कॉल सेल करके हमने रखा था पोजीशन उससे एग्जिट कर लेंगे और जो हमने कॉल बाई किया हुआ है उसमें हम R1 प्रीवियस डे हाई के नीचे का स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो इस तरीके से आप अपने प्रॉफिट को लॉक कर सकते हो और बड़े टारगेट तक जा सकते हो। दूसरा कंडीशन, मान लो आपको अपनी पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी ओवर करना है। मान लो आपने मान लिया, मान लो आपके हिसाब से निफ्टी जो है मंथली CPR के हिसाब से R2 लेवल नहीं पहुंचा है या अप ट्रेंड में है और वीकली बेसिस पे भी अप ट्रेंड में है और आप अपना इंट्राडे का पोजीशन को कैरी ओवर करना चाहते हो नेक्स्ट डे के लिए, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको कभी भी जो बाइंग पोजीशन है उसको सिंगल कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है, उसको एक कॉम्बिनेशन के साथ ही कैरी फॉरवर्ड करना है। तो जैसे अगर आपने 22,200 का कॉल बाई किया हुआ है और उसका प्रीमियम मान लो 200 रुपये चल रहा है, तो आप क्या करोगे, 22,300 या 22,350 का कॉल जो 100 रुपये के आसपास हो उसको सेल कर देंगे, तो ये हेज्ड पोजीशन हो जाएगा और ये बुल स्प्रेड बन जाएगा और उसके बाद आप उस पोजीशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी ओवर कर सकते हो अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि कल ऊपर ही जाएगा। मान लो किसी वजह से नीचे भी आ जाता है तो जो आउट ऑफ द मनी का कॉल ऑप्शन है उसका प्रीमियम भी तेजी से डाउन होगा और जो हमने जो इन द मनी का कॉल बाई किया हुआ है उसका भी पोजीशन डाउन होगा। बट ओवरऑल अगर आपके विपरीत खुल जाता है तो उस कंडीशन में भी आपका लॉस बहुत छोटा रहेगा, लेकिन अगर आपके फेवर में जाता है तो जो आपका इन द मनी वाला जो कॉल ऑप्शन है उसका प्राइस बहुत तेजी से बढ़ेगा और आउट ऑफ द मनी वाला जो हमने सेल किया हुआ है उसका प्राइस कंपैरेटिवली कम तेजी से बढ़ेगा। तो आप अपना पोजीशन को नेक्स्ट डे अपना सिचुएशन को देखते हुए कॉल जो सेल किया हुआ है, मान लो मार्केट ऊपर ही चला गया तो कॉल सेल वाले पोजीशन को एग्जिट कर देंगे और जो आपका कॉल जो इन द मनी आपने बाई किया हुआ है उसका जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बढ़ा हुआ आपको मिलेगा। तो इस तरीके से आप कॉन्फिडेंटली पोजिशनल भी अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। अब इसको प्रैक्टिकली करना कैसे है इसके लिए हम स्क्रीन पर चलते हैं। ये हमने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया है। अब इसमें हमको देखना है कि मंथली CPR के बेसिस पे इसका ट्रेंड क्या है, तो इसके लिए हम वन डे का कैंडल क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मंथली CPR हमारा लग गया है। अब मंथली CPR का जो सेटअप है उसमें
हमको वेरीफाई करना है कि ये ट्रेंड क्या है, तो इसके लिए हम वीवैप लगा लेते हैं और वीवैप के साथ 20 EMA का कॉम्बिनेशन यूज़ कर लेते हैं। तो ये 20 EMA का कॉम्बिनेशन मैंने लगा दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जब वीवैप का लाइन 20 EMA के लाइन के ऊपर है, मतलब ये अप ट्रेंड में है। तो यहाँ पे मंथली CPR के हिसाब से हमको ये तो क्लियर हो गया कि ट्रेंड अपवर्ड है। अब हम वीकली CPR के बेसिस पे निफ्टी को चेक कर लेते हैं कि निफ्टी का ट्रेंड क्या है। तो इसके लिए हम 1 आवर का कैंडल लगा देते हैं, इससे हमारा वीकली CPR सेटअप लग जाएगा। तो वीकली CPR के सेटअप के हिसाब से हमको ये देख लेना है कि ट्रेंड क्या है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि वीवैप का लाइन 20 EMA के लाइन के ऊपर है, मतलब वीकली सेटअप के हिसाब से भी हमारा ट्रेंड अपवर्ड है। अब हमको ये क्लियर हो गया कि मंथली बेसिस पे अप ट्रेंड में है और वीकली बेसिस पे अप ट्रेंड में है। तो जब दोनों कंडीशन में अप ट्रेंड में है तो हम इंट्राडे की जब प्लान करेंगे, तो इंट्राडे की प्लानिंग करेंगे तो हम कॉल साइड में ही पोजीशन को प्रीफर करेंगे। तो इसके लिए मैं इंट्राडे सेटअप लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे 5 मिनट का कैंडल स्टिक हम लगा लेते हैं। तो ये हमारा 5 मिनट का कैंडल स्टिक हमने लगा दिया है। तो यहाँ पे भी हमको जब बाइंग साइड का सिग्नल मिलेगा तभी हमको एंट्री करना है। तो यहाँ पे ये ध्यान रखना है, आज तो मार्केट क्लोज हो गया, अब नेक्स्ट डे क्या रहेगा। तो नेक्स्ट डे का हम CPR लेवल यहाँ पर लगा लेते हैं। तो नेक्स्ट डे के हिसाब से हमको दिख रहा है कि नेरो CPR है। तो कल हम क्या करेंगे, मार्केट जिस समय ओपन होगा, जिस भी लेवल पर ओपन होगा, उसके हिसाब से 100 पॉइंट इन द मनी का कॉल ऑप्शन और 100 पॉइंट इन द मनी का पुट ऑप्शन अपने चार्ट में लगा लेंगे। तो इसके लिए हम जैसे फायर्स के टर्मिनल में जाएंगे और यहाँ पे चार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर लेंगे। तो यहाँ से हमने चार्ट को दो पार्ट में स्प्लिट कर लिया। अब यहाँ पे हम एक साइड में ये कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा दिया और सॉरी ये पुट का है, ये कॉल ऑप्शन का चार्ट लगा दिया और एक साइड में हम पुट ऑप्शन का चार्ट लगा लेते हैं। तो दो पार्ट में क्लियर हो गया कि भाई कॉल और ऑप्शन और पुट ऑप्शन किस में हमको एंट्री बनाना है। तो ये हमारा कॉल ऑप्शन का चार्ट है। तो यहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि कॉल ऑप्शन ही ऊपर की ओर जाने की ज़्यादा संभावना है। तो अगर हम सेटअप के हिसाब से देखें तो कल नेरो CPR है नेक्स्ट डे, और नेरो CPR है तो ऊपर की ओर जाने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि मंथली CPR और वीकली CPR दोनों में ट्रेंड पॉजिटिव है। तो इंट्राडे में हम ये ध्यान रखेंगे कि हमको अगर डाउनसाइड का सिग्नल मिलता है तो या तो हम स्कैल्पिंग करेंगे या फिर उस पोजीशन को अवॉइड करेंगे और हम प्राइस को किसी न किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल, सपोर्ट लेवल से रिवर्स होने का वेट करेंगे। और रिवर्स होने के बाद जैसे ही इंट्राडे में बाइंग सिग्नल मिलेगा, हम कॉल ऑप्शन में बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो पुट ऑप्शन में बाइंग करना है तो पुट ऑप्शन में भी बाइंग कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए छोटा टारगेट आपको रखना पड़ेगा। तो सेटअप क्लियर है, आपको ऑप्शन के प्राइसिंग के चार्ट पे लगाना है। ऑप्शन के प्राइसिंग के चार्ट को इसलिए लगाना है क्योंकि यहाँ पर आपको परफेक्ट एंट्री मिलता है ऑप्शन के प्राइसिंग के हिसाब से। इंडेक्स के हिसाब से देखेंगे तो कई बार क्या होता है कि इंडेक्स का जो मूव है उसके रिस्पेक्ट में ऑप्शन का बिहेवियर अलग होता है। तो हमको ऑप्शन में देख लेना है कि ऑप्शन कब हमको पॉजिटिव एंट्री दे रहा है, उसी समय हमको एंट्री लेना है। तो इस तरीके से आप इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन बाइंग की पोजीशन को बना सकते हैं। अब आगे मान लो आपको कॉल ऑप्शन में पता है कि मार्केट ऊपर की ओर जाने वाला है, तो ऊपर की ओर जाने वाला है तो जैसे हमको पता है कि यहाँ पे कल नेरो CPR है, मतलब हमको लग रहा है कि कल बड़ा मूवमेंट आ सकता है, और ओवरऑल ट्रेंड देखेंगे तो ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये जो कॉल ऑप्शन है इसको हम कैरी फॉरवर्ड करना चाह रहे हैं, मान लो नेक्स्ट डे के लिए। तो नेक्स्ट डे के लिए ये कॉल ऑप्शन 217 रुपये का है, तो ये 217 रुपये के भाव से हम खरीद लेंगे। अब हम क्या करेंगे कि 100 रुपये के आसपास वाला कॉल को सेल भी कर देंगे। तो हम यहाँ पर ऑप्शन चैन में जाएंगे और ऑप्शन चैन में जाके जो भी कॉल ऑप्शन जिसका प्राइसिंग 100 रुपये के आसपास है, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो 23,100 का कॉल 106 रुपये चल रहा है, हम इसको सेल कर देंगे। तो हमारा दो पोजीशन बन जाएगा, एक तो इसको भी मैं वॉच लिस्ट में ऐड कर देता हूँ। ये मैंने वॉच लिस्ट में ऐड कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको बाई करेंगे, जो कॉल ऑप्शन इन द मनी है इसको बाई करेंगे और ये जो कॉल ऑप्शन है आउट ऑफ द मनी इसको सेल कर देंगे। तो आपका जो 217 रुपये का जो कॉल ऑप्शन है उसका अगर नेट नेट प्राइस देखेंगे तो ये आपको कितना रुपया पड़ेगा, 110 रुपया पड़ेगा। तो कहाँ 210 रुपये का कॉल ऑप्शन था उसका जस्ट आप प्रीमियम दे रहे हो, वो है 100 रुपया।
तो आपका वहाँ पे सीधा सीधा 100 रुपये का जो कुशन है वहाँ पे मिल गया। अब मान लो मार्केट ऊपर की ओर खुलता है और वन वे मोमेंटम देने लगता है, तो जैसे ही R1 प्रीवियस डे हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको भी पता है कि ऊपर की ओर ही जाने वाला है, तो जो कॉल ऑप्शन आपने सेल करके रखा है उस पोजीशन से चाहो तो एग्जिट कर सकते हो और इस पोजीशन को R2 के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप बड़े टारगेट को भी ले सकते हो। तो कभी भी जैसे पोजीशन को कैरी ओवर करना है नेक्स्ट डे में, तो नेक्स्ट डे में कैरी ओवर करने के लिए हेजिंग जरूर कर लेना। तो जिस लेवल का भी बाई किया हो उससे 100-200 पॉइंट ऊपर का कॉल सेल करके ही नेक्स्ट डे के लिए कैरी ओवर करना, तभी आपको कॉन्फिडेंस रहेगा नेक्स्ट डे के पोजीशन को कैरी करने में। होप आपको क्लैरिटी आ गया होगा कि इंट्राडे में ऑप्शन बाइंग किस तरीके से किया जाता है, या फिर अगर हमको पोजिशनल ट्रेड लेके जाना है नेक्स्ट डे के लिए तो उसके लिए हम किस तरीके से अपनी ऑप्शन की पोजिशन को नेक्स्ट डे के लिए कैरी ओवर कर सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फॉर कंप्लीट लर्निंग यू कैन ज्वाइन अवर मास्टर क्लास, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बिलो।